दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं भरमास शिमला मिर्ची की नए तरीके से। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्ची लिया 400 ग्राम, और ये मैंने बीच में कट लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से, कोई मैंने बीज वगैरह नहीं निकाले और डंठल भी नहीं हटाए। ये देखिए मैंने डंठल रखे हैं। जो टेस्ट आता है ना शिमला मिर्ची में, इस डंठल से और अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरीके से आप ज़रूर बनाए, मेरी मानिए। तो चलिए आगे की रेसिपी है जो बनाना शुरू करते हैं। मिर्ची बनाने के लिए हमने क्या क्या सामग्री लिए ये देख लीजिए आप। यहाँ लिए हमने प्याज 2 बड़े साइज की, यहाँ लिया हमने 1 गांठ लहसुन की जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया, यहाँ लिया हमने 4 से 5 चम्मच बेसन, तो इसको 2 चम्मच तेल के अंदर हमने सेक लिया है, और यहाँ लिया हमने मूंगफली, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, जीरा और लाल मिर्ची पाउडर। तो चलिए मसाला बनाना शुरू करते हैं। मैंने मूंगफली ली है रोस्ट करी हुई, और देखिए इसका छिलका है जो एकदम उतर रहा है, ये देखिए। तो इसको हम छिलके को उतारना है हमें इस तरीके से मसलते हुए। यहाँ मैंने देखिए छिलके उतार दिए हैं, और ये अलग हमने फटक दिया है इसको, तो ये बाकी के भी हटा देंगे। और इस ये हमने सेकने के मारे हमने ज़्यादा ले लिए, तो हम इसकी आधी करेंगे। ये देखिए हम मामदस्ते में या फिर मिक्सी के जार में इसको दरदरा सा कर लेंगे। मिर्ची को फ्राई करने से पहले हम थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल देंगे, ताकि कि ये शिमला मिर्ची है जो हमारी फीकी सी नहीं लगेगी। मिर्ची फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे चढ़ा दिया है फ्राई पैन, तो फ्राई पैन में हम डालेंगे तेल, बस ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही डालेंगे अभी। तो तेल को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। यहाँ हमारा तेल है जो गरम हो गया है, और अब डाल देते हैं यहाँ पे हम शिमला मिर्ची फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हमने शिमला मिर्ची है जो फ्राई होने के लिए फ्राई पैन में डाल दी है। अब इसको हम घुमाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे, और फ्राई हमें इतनी करनी है हल्का हल्का सा इसके ऊपर चटा आ जाए जब तक करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से, ये दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से हमें चटा डालने हैं इसके ऊपर, और हमें अलट पलट के फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। यहाँ देखिए मैंने सारी मिर्ची घुमाते हुए फ्राई करी है ये, और आप भी इसी तरीके से करें, एक जगह नहीं छोड़ें, नहीं तो ये वरना जल सकती है। ये देखिए घुमाते हुए हमें करनी है फ्राई चारों तरफ से, और इस तरीके से मिर्ची बनाएंगे तो कम समय में बनेगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ढक्कन लगा देते हैं 1 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे हमें रखनी है, हाई पे नहीं रखनी है। यह हमारा 1 मिनट हो गया है, ढक्कन को हटा लेते हैं, और एक बार और हम चला लेंगे इनको। देखिए चारों तरफ से हो चुकी है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ज़्यादा नहीं गलानी है, क्योंकि अभी हमें मसाला इसके अंदर बनना है। तो बस यहाँ पे हम गैस को कर देते बंद, और मसाला हम बनाते हैं शिमला मिर्ची का। मैंने दूसरे बर्तन चढ़ा दिया है गैस पे, तो इसमें डाल देते हम तेल मसाला बनाने के लिए, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। तेल है जो अच्छे से गर्म हो गया है, और अब डाल देते हैं यहाँ पर हम जीरा। जीरे को पहले अच्छे से भून लेते हैं हम, कच्चा नहीं रहना चाहिए हमारे जीरा। हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब डाल देते हैं यहाँ हम लहसुन कटा हुआ, तो लहसुन को भी हम भून लेते हैं। हमारा अच्छे से सिक चुका है, अब डाल देंगे यहाँ पे हम प्याज, तो प्याज को भी हम भून लेते हैं। यहाँ देखिए हमारी प्याज है जो अच्छे से सिक चुकी है, और ये हमें ज़्यादा नहीं सेकनी है, बस हल्की सी सेकनी है, आपका कलर बस चेंज हो जाए इतनी। और इस तरीके से प्याज बहुत अच्छी लगती है शिमला मिर्ची के मसाले में। तो यहाँ डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और मिर्ची को हम सेक लेते हैं और हल्दी को, ताकि हमारी हल्दी और लाल मिर्ची कच्ची नहीं रहे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिला दिया है। यहाँ डाल देंगे धनिया पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। और यहाँ डाल देंगे हम 1.5 छोटी चम्मच हमने लिया है चाट मसाला, क्योंकि हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं, तो थोड़ा चाट मसाला हम ज़्यादा डालेंगे। और यहाँ डाल देंगे गरम मसाला, और एक बार हम मसालों को चला लेते हैं।
हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें। और गैस को हमने बिल्कुल धीमा रखा है, आप हाई गैस ना रखें मसाले भुने जब। और अब डाल देंगे यहाँ पे हम बेसन सिका हुआ। तो यहाँ पे हमने बेसन और सभी मसालों को अच्छे से मिला लिया है। अब डालेंगे हम लास्ट में मूंगफली कुटी, ये हमने मामदस्ते में करी है। और अब चाहो तो मिक्सी में भी कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो आप। तो मूंगफली को भी अच्छे से मिला लेते हैं मसाले के साथ में। हमने मूंगफली को भी अच्छे से मिला लिया है और अब डाल देते हैं यहाँ पे हम उबले हुए आलू। तो आलू को हम फोड़ के डाल लेंगे। यहाँ पे आलू मैंने 10 लिए, जैसे आपके मेंबर हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं आलू। और मीडियम साइज के लिए ये आलू, देखिए छोटे साइज के हैं, बड़े हो तो आप कम ले सकते हो। हमने आलू को फोड़ लिया है, अब हम मसाले के साथ में अच्छे से मिला लेते हैं आलूओं को। अच्छे से मिलाना है हमें, और आलू हमें बारीक करने हैं, ये मोटे मोटे नहीं रखने हैं, ये थोड़े से हैं। तो हम चलाते हुए उनको इस तरीके से दबाते हुए इसको बारीक कर लेंगे आलूओं को। यहाँ देखिए मैंने सभी मसाले को आलू के साथ में अच्छे से मिला लिया है। तो यहाँ पे हमारा मसाला है जो बन के तैयार है। और मैं यहाँ पे हरा धनिया नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी हरा धनिया है जो ख़राब आ रहा है, बारिश हो चुकी है तो बदबू सी आ रही है इसलिए। और आपको हरा धनिया पसंद हो और अच्छा खासा हो आपके पास में धनिया, तो हरा धनिया भी डाल सकते हो। तो बस यहाँ पे हम मसाले को कर लेते हैं ठंडा, फिर हम भरेंगे मिर्ची के अंदर और गैस को हम कर लेते हैं बंद। यहाँ हमारा मसाला है जो ठंडा हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत गर्म होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चम्मच से भरेंगे। तो यहाँ पे हम शिमला मिर्ची ले रहे हैं हम एक, और इस तरीके से थोड़ा सा खोलेंगे इसको और इस तरीके से हम भर लेंगे। ये देखिए हमें साइड है ना, ये मिर्ची की इस साइडों में भरना है हमें दोनों तरफ, ये दबाते हुए। ये देखिए भर चुका है। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी भर लेते हैं। और इस तरीके से मिर्ची भर के बनाओ के ना, तो कोई कह नहीं सकता है कि भरमा मिर्ची लगेगी आपको कि इसमें मसाला भरा है। बहुत से लोग होते हैं तो डेंटल माउथ से कट करके बनाते हैं, ये देखिए। और इसको हमने पैक कर दिया ना, तो कोई बता नहीं सकता ये आपने मसाला भरा है इसके अंदर आलू का। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो बस इसी तरीके से हम सारी मिर्ची जो भर के तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने जो मिर्ची फ्राई करी थी वही वाला फ्राई पैन वापस हमने ले लिया है। और इसमें हमें थोड़ा बहुत तेल बचा है, तो थोड़ा बहुत तेल में ही थोड़ा सा तेल और डालेंगे। सारी मिर्ची जो भर के तैयार हैं, तो अब इनको हम कर लेते हैं फ्राई वापस तेल के अंदर। ये देखिए इस तरीके से रखते जाएंगे एक एक करके, और ढक्कन लगा देते हैं। और बीच बीच में हम इनको चेक कर लेंगे, तो हम ढक्कन को हटा के चेक कर लेते हैं एक बार। और इनको आप बीच बीच में चेक करते रहें ना, तो एक साथ ना छोड़ें, नहीं तो ये देखिए इस तरीके से हो सकती है, थोड़ी सी जल भी सकती है, इसलिए आप बीच बीच में ढक्कन हटा हटा के इनको चेक कर लें। हम चारों तरफ से हिला के ढक्कन लगा देते हैं। जो भी मिर्ची को पकानी है हमें ढक्कन लगा के ही पकानी है। यहाँ देखिए हमने बीच बीच में इसको 2 से 3 बार अच्छे से चेक कर लिया था, और ये पलटते हुए हमने इसको चारों तरफ से इस तरीके से पका लिया है मिर्ची को। जैसे मैंने बोला था ना आपको, एक साथ इनको ढकनी नहीं है, आपको बीच बीच में चेक करनी है। तो उसी तरीके से हमने सेम इसमें प्रोसेस करते हुए इसको पका लिया मिर्ची को। ये देखिए इतनी शानदार एकदम फ्राई हुई है ना। और जो हमारा मसाला बच गया था ना, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और गैस को कर देते बंद। और ये देखिए चारों तरफ से रख देंगे इसके ऊपर गैस बंद करने के बाद में। तो यहाँ हमारी मसालेदार भरमा मिर्ची है जो बनके तैयार है। अगर आपको मसालेदार चटपटी मिर्ची शिमला मिर्ची की रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि नए तरीके से आपको शिमला मिर्ची की रेसिपी कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।